और मीडिया सरकार के सीईओ अनुरंजन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुरंजन जी, आपको 11 बजे तक का समय दिया गया था रॉ फुटेज देने का, समय बढ़ा दिया है आप पार्टी ने, 3 बजे तक आपको फुटेज जमा करानी है वहां पर। किसने दिया था समय ये 11 बजे का, कौन तय किया था 11 बजे का समय? अनुरंजन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आम आदमी पार्टी और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो सबसे पहला काम किया है कि मेरा फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया और सुबह 6 बजे से कम से कम अब 500 कॉल हो चुके होंगे जो मैं देश दुनिया से उनके चाहने वालों का रिसीव कर चुका हूं और मैं उनको जवाब दूं कि किसको जवाब दूं। रही बात रॉ फुटेज, सुनिए रॉ फुटेज देने की बात है, वो खुद कटघरे में खड़े हैं और वो रॉ फुटेज मांग रहे हैं। हम किस आधार पर उनको रॉ फुटेज दें? उन पे आरोप लगे हैं और वही फैसला करेंगे कि वो सच है या गलत है। जी अनुरंजन जी, पार्टी की तरफ से चिट्ठी गई है आपको, आम आदमी पार्टी की तरफ से चिट्ठी आई है आपको? आम आदमी पार्टी को इस देश की कोई संवैधानिक संस्था है कि वो कोई चिट्ठी भेजेगी, उस चिट्ठी का हम जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। हमने उनकी बात सच सामने रखी है, देश के सामने रखा है, पूरा फुटेज भी हमको जहाँ जिस संवैधानिक संस्था को देना होगा हम पहुंचा देंगे। ये बिल्कुल गलत तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि रॉ फुटेज क्यों आम आदमी पार्टी को रॉ फुटेज दिया जाए। आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी है। आजकल क्या हो गया, एक ट्रेंड चल गया है इस देश में कि जिस पे आरोप लगते हैं वो दो लोगों की कमेटी बनाता है, खुद उन पे पाक साफ होने का फैसला लेता है और बिल्कुल कोई तोड़ मरोड़ का पेश नहीं किया गया है और बिल्कुल ये टेप हम सार्वजनिक करने के लिए ही लेके आए थे, हमने सार्वजनिक किया और अब इस पूरे टेप को इस देश की कोई भी संवैधानिक संस्था मुझसे मांगेगी हम उस टेप को दे देंगे। लेकिन अनुरंजन जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा सच जानने के लिए रॉ फुटेज देखना जरूरी है। तो रॉ फुटेज देखने के लिए वो कौन होते हैं खुद से तय करने वाले कि पूरा सच क्या है ना? मैंने अपने सच रख दिया सामने, अगर उसके बाद अगर उनको लगता है कि उसमें डॉक्टर है तो वो पूरी कानूनी प्रक्रिया से हमारे पास आए। इस देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं जो तय करेंगी कि ये सच है या गलत है। वो उन पे आरोप लगे हैं, जो कटघरे में खड़ा है उसको मैं टेप किस आधार पे दे दूं? मैं अपने मीडिया के सारे बंधुओं को कहता हूं, मैं मीडिया सरकार के सीईओ के बतौर कहता हूं कि जो भी व्यक्ति मीडिया में संपादक किसी भी चैनल का, आपके माध्यम से बीपी न्यूज के माध्यम से कहता हूं कि कोई भी अगर वो फुटेज देखना चाहता है मेरे दफ्तर आए, पूरा रॉ फुटेज देखे, क्योंकि आज तक आप मीडिया से लोग हैं आपको पता है कि कोई रॉ फुटेज इस देश में नेताओं पे स्टिंग हुए, रॉ फुटेज पार्लियामेंट को दिया गया, कैश फॉर वोट के लिए स्टिंग हुए, रॉ फुटेज पार्लियामेंट को दिया गया। जिस इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं वो रॉ फुटेज मांगती है, रॉ फुटेज दिया जाएगा। अगर ये आम आदमी पार्टी, इन पे आरोप लगे इनको रॉ फुटेज देते हैं हम किस बात के लिए? तो मतलब आप नहीं देंगे रॉ फुटेज आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को क्यों दें? हम आपको देने को तैयार हैं। आपके संपादक हमसे बात करें, आए पूरा रॉ फुटेज देखें और अपना फैसला लें। हम आपको देने को तैयार हैं, हम मीडिया को देने को तैयार। हम क्यों दें? हम जी न्यूज में भी हमने कहा मैं मीडिया को देने को तैयार हूं। मैं क्यों आम आदमी पार्टी को रॉ फुटेज क्यों दूं? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप जांच एजेंसी को देंगे ये रॉ फुटेज लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी कटघरे में है, जिसपे आरोप लगा है उसको हम ये रॉ फुटेज क्यों दें? आप बात समझिए ना, आप इस बात को समझिए कि जिस आधार पर, कोई आधार तो होगा, हम उन पे आरोप लग रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने समय निर्धारित कर लिया 11 बजे तक दे दीजिए, मुझे कोई जानकारी नहीं, उन्होंने समय निर्धारित कर लिया। उनकी एक महिला जो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रही है, कल वो किस चैनल पे कह रही थी कि मैं स्टार न्यूज में, उनके कहने पे मुझे नौकरी से निकाला गया, मैंने स्टार न्यूज में आज तक नौकरी नहीं की। तो ये गलत बयान ही करने वाले लोग हैं और ये इस तरीके से झूठ बोलते हैं। कभी कुमार विश्वास कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी बच्चे के साथ 3 दिन पहले उनके घर गया था, मेरा बच्चा आज तक उनके घर नहीं गया, मेरी पत्नी आप और हम 2 साल पहले उनके घर एक बार गए थे, उन्होंने बुलाया था। ये गलत बयान ही करने वाले लोग हैं और गलत बयान करेंगे, तोड़ मरोड़ कर बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं।